दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय आई सॉल्यूशंस। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू आमिर स्पीक्स। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ ये वाला स्मार्टफोन। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ रियलमी 5 की। तो रियलमी ने रियलमी 5 प्रो और इसके अंदर डिफरेंट वेरिएंट यूज़ किए थे। 4GB 64GB वाला एक कॉम्बिनेशन बनाया था और एक 4GB RAM 128GB वाला कॉम्बिनेशन बनाया था। तो मेरे पास इस वक्त मौजूद है 4GB 64GB वाले वेरियंट और यहाँ पर रियलमी 5 को हम अनबॉक्स करके देखते हैं कि इसमें हमें बॉक्स के अंदर क्या क्या मिलता है, उसके अलावा क्या क्या फीचर्स इस फ़ोन के अंदर हमें मिलते हैं। और यहाँ पर आपको मैं बताता चलूँ, 5000 mAh की बैटरी यूज़ कर रहा है रियलमी और उसके बाद क्वाड कैमरा सेटअप यूज़ कर रहा है और 4 कैमरों के साथ आपको हर चीज़ परफेक्ट मिलेगी कैमरे से। उसके बाद यहाँ पर आपको ड्यू ड्रॉप नॉच मिल जाती है। उसके अलावा यहाँ पर आपको 4GB RAM मिल रही है, 64GB की इंटरनल स्टोरेज मिल रही है। मेरे पास जो इस वक्त मौजूद है ये क्रिस्टल ब्लू कलर का वेरियंट मौजूद है। तो यार आपको भी ज़्यादा तंग नहीं करते और इसको भी ज़्यादा तंग नहीं करते, तो हम अनबॉक्स करके देखते हैं इसके अंदर हमें क्या मिलता है, उसके बाद हम करेंगे इसके ऑनेस्ट रिव्यूज़। लेकिन मैं नहीं करूँगा, हर चीज़ आप खुद चेक करें, क्योंकि इसका कैमरे का रिजल्ट, फ्रंट कैमरे का, बैक कैमरे का, सारी स्नैपशॉट्स और वीडियो रिकॉर्डिंग जो है आपके साथ इसी वीडियो में शेयर कर दूंगा, ताकि आप जज कर सकते ये स्मार्टफोन आपके लिए है या नहीं। तो दोस्तों करते हैं अनबॉक्स, देखते हैं क्या मिलता है इसमें। तो यार अब हम आ चुके हैं अपने बॉक्स के ऊपर, तो बॉक्स के अंदर क्या है इसको खोल के हम देख लेते हैं। तो यार अब हम इसको कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको Realme की तरफ से एक कोटेशन मिलती है, हे वेलकम टू Realme फैमिली। तो ये हर Realme फ़ोन के अंदर आपको मिल जाती है। उसके बाद इसकी बैक साइड के ऊपर एक कुछ लेट्स एम्ब्रेस अ न्यू जर्नी। तो आपने अगर जब स्मार्टफोन लेंगे तो आप भी जर्नी स्टार्ट करेंगे Realme के साथ। अब हम इसके अंदर देख लेते हैं हमें क्या क्या मिल जाता है। तो यार सबसे पहले आपको ये कुछ लव लेटर्स मिल जाते हैं Realme की तरफ से, अगर आपने पढ़ने हैं तो पढ़ लीजिएगा। और इसको मैं साइड पर करता हूँ। यहाँ पर सिलिकन केस जो है वो काफ़ी ज़बरदस्त है, लेकिन इससे स्ट्रॉन्ग हो सकता था, और लेकिन ये भी काफ़ी ज़बरदस्त है, क्योंकि अगर वाइट कलर में होता तो उसके बाद में थोड़ा सा ये मसला आ जाता है, वो येलोइश हो जाता है। तो यहाँ पे ये ग्रे कलर का, ब्लैक कलर का साउंड आपको टच दे रहा है, तो मतलब यहाँ पे आपको इसकी टेंशन नहीं होगी। उसके बाद हम इसको साइड पर रख कर दें। अब हम आते हैं अपनी डिवाइस के ऊपर। तो यार डिवाइस को हम एंड पे देखेंगे, क्योंकि डिवाइस को अगर अभी कर दिया तो फिर आप पूरी वीडियो नहीं देखेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको सिम एजेक्टर टूल मिल जाता है। ऑल दो पिछले जो स्मार्टफोन जितने भी आ रहे थे ओप्पो सैमसंग वीवो की तरफ से, उसके अंदर जो मैनुअल्स होते हैं उन्हीं के साथ आपको मिलता है सिम इजेक्टर टूल, लेकिन यहाँ पे आपको लेदर मिल रहा है। तो इसको मैं निकाल के इसलिए साइड पे रख रहा हूँ, मैं हमेशा भूल जाता हूँ आपको सिम सिचुएशन दिखाना। तो ये 2 एम्पीयर्स का चार्जर है, ये फास्ट चार्जिंग आपको सपोर्ट करता है, तो मतलब ज़बरदस्त किस्म का यहाँ पे आपको चार्जिंग की फैसिलिटी मिल जाएगी। उसके बाद अब आपको यहाँ पर मिल जाती है टाइप सी की एक USB केबल, जो कि आपको चार्जिंग का काम देगी और कनेक्टिविटी भी आप कर सकते हैं किसी भी लैपटॉप और कंप्यूटर के साथ। तो यार बॉक्स के अंदर और कुछ भी नहीं है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था हेडफोन्स होते हैं यहाँ पर, लेकिन वो नहीं है, तो मतलब कोई बात नहीं, काम चला लेते हैं। इसको हम रख देते हैं साइड पर। अब हम आते हैं अपनी डिवाइस के ऊपर, तो डिवाइस को खोल के हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल कॉर्नर के ऊपर आप देख सकते हैं Realme की ब्रांडिंग हुई है। उसके बाद यहाँ पर आपको जो मेन कैमरा मिल रहा है वो f1.8 अपर्चर का मिल रहा है। उसके बाद 3 कैमरास आपके पास और मिल जाते हैं और साथ आपको LED फ्लैश मिल जाती है। उसके बाद यहाँ पर आपको फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिल जाता है, और राइट साइड पे हमारे पास पावर बटन मिल जाता है, और लेफ्ट साइड पे आपको मिल जाता है साउंड अप एंड डाउन वॉल्यूम का ऑप्शन। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं भूलता हूँ, सिम सिचुएशन आपको दिखाना। तो यार यहाँ पर आपको फुल सिम सिचुएशन मिल जाती है, मतलब दोनों ही सिम्स आप यूज़ कर सकते हैं और साथ आप SD कार्ड भी यूज़ कर सकते हैं अप टू 256GB तक का। तो यहाँ पर आपको कोई टेंशन नहीं होने वाली, हाइब्रिड सिम स्लॉट का कोई भी यहाँ पर आपको सिस्टम तंग नहीं करेगा। तो यार यहाँ पर इसको मैंने सेटअप कर लिया। आपको सबसे पहले मैं चेक करवाता हूँ इसकी फिंगरप्रिंट सेंसर की स्पीड कितनी तेज है। ये मैंने लॉक कर दिया इसको, ओके देख लेता हूँ। तो मतलब फ़ौरन से इसने खोल दिया, ज़बरदस्त। अब हम चेक कर लेते हैं इसकी फेस आईडी किस तरह
और ज़बरदस्त, मतलब बहुत ज़्यादा स्पीड के अंदर इसने फेस को रिकग्नाइज़ किया है। अभी तक जितने भी स्मार्टफोन मैंने यूज़ किए हैं, सबसे ज़्यादा तेज़ मुझे अभी तक इसी का लगा है। अगर आप सैमसंग की तरफ जाते हैं तो सैमसंग का तो थोड़ा सा सुस्त है, लेकिन यहाँ पर फेस रिकग्निशन जो है रियलमी का काफ़ी कमाल का है। प्रोसेसर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 665 ऑक्टा कोर का प्रोसेसर है, और यहाँ पर 4 GB रैम आपको मिल जाती है, 64 GB की इंटरनल स्टोरेज है। ये सारी चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। यहाँ पर कलर ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि रियल मी और ओप्पो के स्मार्टफोन्स के अंदर यूज़ होता है, ये वर्जन 6.0.1 है, एंड्रॉयड वर्जन 9 है, और यहाँ पर रियल मी आपको 26,000 रुपये में काफ़ी ज़बरदस्त चीज़ें आपको प्रोवाइड कर रहा है। तो यहाँ पर आपको गेमिंग परफॉर्मेंस जो है वो भी काफ़ी कमाल की मिलेगी। अब मैं चलता हूँ इसकी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो कि कैमरा है, क्योंकि क्योंकि चार चार कैमरे यूज़ हो रहे हैं तो उनको देख भी लेते हैं हम कि किस तरह का उनका रिजल्ट आता है। तो यहाँ पर हमारे पास वीडियोस का ऑप्शन आ जाता है, उसके बाद हमारे पास फोटोज़ का ऑप्शन आ जाता है, पोर्ट्रेट शॉट्स हैं हमारे पास मेन कैमरा के अंदर। तो यार ये येलो लाइन जो आपको नज़र आ रही है, डुअल लाइन, ये मेन कैमरा है जो कि मेन हाईलाइटिंग फीचर है रियलमी की तरफ से। F1.8 अपर्चर का ये कैमरा है। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कैमरा सेटअप के अंदर यही है हमारे पास। उसके बाद डेप्थ सेंसर आपको मिल जाता है पोर्ट्रेट शॉट के लिए, और डिफरेंट आपको स्लोमो वगैरह भी मिल जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्लोमो भी मिल जाता है, टाइम लैप्स मिल जाता है, एक्सपर्ट पैनो नाइटस्केप, और ये सारी फोटोज में लेकर आपको दिखा दे। तो यार इस वक्त मैं शूट कर रहा हूँ रियलमी 5 के जो मेन कैमरा है उससे। रिकॉर्डिंग आप चेक कर सकते हैं किस तरह की आपको मिल रही है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर यह है कि दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय आइसोलेशन। अब उसके बाद हम आ जाते हैं अपने फ्रंट कैमरा के ऊपर। तो यार मतलब जबरदस्त किस्म का ये दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं सब कुछ क्लियर कर रहा है। मैं सोच रहा हूँ अगली वीडियो रियलमी के कैमरे से बनाना शुरू करूँ, तो काफ़ी ज़बरदस्त रिजल्ट प्रोड्यूस करके दे रहा है हमें। तो आप देख सकते हैं काफ़ी ज़बरदस्त किस्म का रिजल्ट है, और इसकी सेल्फीज़ और इसका माइक किस तरह काम करता है वीडियो रिकॉर्डिंग, क्योंकि काफ़ी लोग जो हैं अब वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए भी यूज़ करते हैं फ्रंट कैमरा, और उसके साथ माइक जो होता है वो थोड़ा सा बेस्ट होना चाहिए। तो यहाँ पर डुअल माइक आपको सपोर्ट कर रहा है रियलमी 5। एक माइक जो है वो आपको नॉइस कैंसिलेशन के लिए, जो कि आप नॉर्मल जो माइक आप लेते हैं बाहर से आप उसके अंदर ये नॉर्मल फीचर होता है, लेकिन एक स्मार्टफोन उनके अंदर जहां पे आपको गेमिंग मिल रही है, जहां पे आपको हर चीज मिल रही है, उसके साथ डुअल माइक भी मिल रहा है, तो मतलब कमाल है यार। तो इसके अंदर तो फ्रंट कैमरे के अंदर हमारे पास वीडियोस का ऑप्शन भी है, और उसका फोटोज का है, पोर्ट्रेट शॉट, तो इसको मैं क्लिक कर देता हूं तो देख लेते हैं पोर्ट्रेट शॉट फ्रंट कैमरे का। तो मतलब अच्छा सा इसने रिजल्ट प्रोड्यूस कर दिया, थोड़ा सा इसने कलर को डिफ्यूज किया है मेरे ख्याल से, क्योंकि बिल्कुल ब्लर कर दिया बैकग्राउंड इसने, लेकिन थोड़ा सा मेरे बालों को भी ब्लर किया। तो यहाँ पे AI का काम थोड़ा सा बनता है। और तो यार इस वक्त मैं शूट कर रहा हूँ रियलमी 5 के फ्रंट कैमरे से, और मेरे साथ मौजूद हैं स्मार्टफोन कैमरा के एक्सपर्ट, मतलब कैमरा यूज़ करने के इनसे बेहतर मेरा नहीं ख्याल कोई कर सकता है आजकल बाहर से। भाई कहाँ से आ रहे हैं आपको पैगावर? पता नहीं कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा तारीफ़ें हो रही है इनका। नेचर नेचर फोटोग्राफी के ऊपर एक चैनल भी है, तो भाई उसका लिंक मुझे बता दो। चैनल है क्या? डिस्क्रिप्शन में दे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे भाई, ये नहीं बोलना चाह रहे। तो मतलब आपने रिजल्ट चेक कर लिया, मेन मकसद था आपको रिजल्ट चेक करवाना है इसके फ्रंट कैमरे का, और माइक किस तरह काम कर रहा है। काफ़ी ज़्यादा ऐप्स जो है मैं खोल चुका हूँ, ये गेम स्पेस आपको मिल जाती है, यहाँ पे आप अपनी गेमिंग परफॉर्मेंस को बूस्ट कर सकते हैं। कॉल ऑफ ड्यूटी फॉर एग्जांपल खेल रहे हैं तो कॉल ऑफ ड्यूटी को आपने ऐड करना है यहाँ से, क्योंकि मैं अभी इंस्टॉल नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास नेटवर्क नहीं है, इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, वाईफाई चल नहीं रहा, और डेटा हम अफोर्ड नहीं कर सकते। और यहाँ पर आपने करना कुछ नहीं है, ऐड मैनुअली एक गेम आपने इंस्टॉल करनी है, कॉल ऑफ ड्यूटी को इंस्टॉल करें, इसके अंदर मैनुअल सेटिंग्स आप करें, जो भी ग्राफिक्स आपने देने हैं वो यहाँ पर आप पुट कर सकते हैं, और रैम मैनेजमेंट हर चीज़ आप यहाँ पर मैनेज कर सकते हैं ईजिली। तो अब इसको मैं बंद कर देता हूं, और रैम मैनेजमेंट थी हमारे पास, तो यार यहाँ पे रैम मैनेजमेंट हम देख सकते हैं। तो ये सारे जितने ऐप्स मैंने खोले थे वो सारे इसी के अंदर मौजूद हैं। अब 4 GB रैम के अंदर ये सारे ऐप्स आपको मिल जाएंगे। अब मसला आता है पबजी, कॉल ऑफ ड्यूटी जो बड़े गेम्स हैं उनके ऊपर। तो यार अगर आपने ज़्यादा ऐप्स नहीं खोली होंगी तो एक दो ऐप्स होंगी तो मतलब ये इतना करेगी कि आपका पबजी वहीं से रन करेगी जहाँ से आपने छोड़ी होगी।
तो यार रियलमी 5 की आपने अनबॉक्सिंग देखी, प्रॉपर रिव्यू देखा, लेकिन यहाँ पे आपने सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ सबसे ज़्यादा ख्याल रखना है, इसकी बैक साइड के ऊपर फिंगरप्रिंट के जो निशानात हैं वो लाजमी आएंगे, स्क्रैचेस भी इजीली पड़ सकते हैं क्योंकि पॉलीकार्बोनेट की बॉडी है। बाकी मेरे जो पर्सनल व्यूज़ हैं वो तो कमाल है, इसके सबसे अच्छा जो मुझे लगा वो इसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज़ किया है, कलर ऑपरेटिंग सिस्टम 6, वो काफ़ी ज़बरदस्त था, इसका UI था कमाल का था, वो मुझे पर्सनली काफ़ी अट्रैक्ट भी कर रहा था और मेरा दिल कर रहा था अब स्विच कर दें यार इसके ऊपर। तो यार इसके बारे में आप क्या सोचते हैं स्मार्टफोन के बारे में, इस रिव्यू के बारे में, वो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। तो मैं आपके लिए इसी तरह की वीडियोस लेके आता रहता हूँ, तो मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में जिसके अंदर हम करेंगे किसी और स्मार्टफोन का रिव्यू या करेंगे हम अनबॉक्सिंग। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।